आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था, करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन की। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि इस सदन में आदरणीय इंद्रजीत गुप्ता जी 43 ईयर, अगर मेरी गलती नहीं हो तो 43 ईयर इस सदन में लंबा समय बैठ करके इस सदन के साक्षी बनने का उनको सौभाग्य मिला था। और यही सदन है आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां शकीकुर रहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे, जबकि उनकी उम्र 93। और आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि 25 साल की उम्र की चंद्रमणि मुर्मू इस सदन की सदस्य बनी थी। सिर्फ 25 साल की उम्र की, सबसे छोटी उम्र की सदस्य बनी थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाद विवाद कटाक्ष ये सब कुछ हम सब ने अनुभव किया है, हम सब ने इनिशिएट भी किया है, कोई बात नहीं रही है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है, हमारे पहले की पीढ़ियों में भी रहा है, जो लोग प्रचार माध्यमों से हमारा यहाँ का रूप देखते हैं और बाहर निकलते ही हमारा जो अपनापन होता है, परिवार भाव होता है, वो एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। और ये भी इस सदन की ताकत है, एक परिवार भाव। और उसके साथ साथ हम कभी कड़वाहट पाल करके नहीं जाते हैं, हम उसी प्यार से सदन छोड़ने के कई वर्षों के बाद भी मिल जाए तो भी उस प्यार को कभी भूलते नहीं है, उस स्नेह भरे याद दिनों को भूलते नहीं है, वो मैं अनुभव कर सकता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पहले भी और वर्तमान भी हमने कई बार देखा है कि अनेक संकटों के बावजूद भी, अनेक असुविधाओं के बावजूद भी, सांसद सदन में आए हैं और उन्होंने शारीरिक पीड़ा भी असह्य हो तो भी सदन में एक सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसी अनेक घटनाएं आज हमारे सामने हैं। गंभीर गंभीर बीमारियों के बावजूद भी, कोई व्हीलचेयर में आना पड़ा, किसी को डॉक्टरों को बाहर खड़े रख करके अंदर आना पड़ता, लेकिन सभी सांसदों ने कभी न कभी इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। कोरोना काल हमारे सामने उदाहरण है, हर परिवार में रहता था कहीं बाहर जाए तो मौत को बुलावा न दे दे, उसके बावजूद भी हमारे माननीय सांसद दोनों सदन में कोरोना काल के इस संकट की घड़ी में भी सदन में आए, अपना कर्तव्य निभाया। हमने राष्ट्र का काम रुकने नहीं दिया, आवश्यकता पड़ी डिस्टेंस रखना भी था और बार बार टेस्टिंग भी करना पड़ता था, सदन में आते थे लेकिन मास्क पहनना पड़ता था, बैठने की रचना भी अलग अलग की, समय भी बदले गए, हर चीज के साथ राष्ट्र का काम रुकना नहीं चाहिए, इस भाव से सभी सदस्यों ने इस सदन को अपने कर्तव्य का महत्वपूर्ण अंग माना, संसद को चलाए रखा। और मैंने देखा है कि सदन से इतना लगाव लोगों का रहता है कि
पहले कभी हम देखते थे, कोई 30 साल पहले सांसद रहा होगा, कोई 35 साल पहले रहा होगा, लेकिन वो सेंटर हॉल तो जरूर आएगा। जैसे मंदिर जाने की आदत होती है, वैसे उनको सदन में आने की आदत होती। इस जगह का लगाव बन जाता है, एक आत्मीय भाव से जुड़ाव हो जाता है। और ऐसे बहुत से पुराने लोग हैं जो आते जाते भी मन करता है जरा चलो एक चक्कर काटते हैं। आज उनका जनप्रतिनिधि के नाते दायित्व तो नहीं है, लेकिन भूमि के प्रति उनका लगाव हो जाता है। ये सामर्थ्य होता है इस सदन का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाएं व्यक्त की थी, पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एक रहेगा कि बिखर जाएगा, लोकतंत्र बना रहेगा नहीं, पचासों। लेकिन इस देश की संसद की ताकत है कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया, और ये राष्ट्र पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता रहा। और इस विश्वास से कि हम भले आशंकाएं होंगी, घने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और ये हम सब लोगों ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने मिलकर के इस काम को करके दिखाया है।